नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस है और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका प्लग पूरा ब्लैक हो जा रहा है और प्लग बार बार शॉर्ट कर रहा है। और शॉर्ट होने का कारण ये है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइलेज बिल्कुल कम दे रही है। मतलब कि इतना माइलेज कम दे रही है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका साइलेंसर से पूरा ब्लैक स्मोक आ रहा है, काला धुआं आ रहा है स्टार्ट करने पर, और इंजन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा काला धुआं दे रहा है गाड़ी और बार बार इसका प्लग शॉर्ट हो रहा है और माइलेज बिल्कुल भी नहीं दे रही है। 22-23 की माइलेज दे रही है, पूरा काला धुआं आ रहा है। तो ये काला धुआं क्यों मारता है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। काला धुआं मारने का मतलब हुआ ना कि गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, पेट्रोल को वो जला नहीं पा रही है और पेट्रोल ज़्यादा खा रही है जिस कारण ये काला धुआं दे रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें इंजन में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितना काला धुआं कर दे रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि इंजन में काम करना पड़ेगा, हेड में काम करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हेड और इंजन में, सिर्फ आपको फिल्टर चेक करना पड़ेगा और ट्यूनिंग जो कार्बोरेटर एडजस्ट करना पड़ता है एयर स्प्रिंग को, उसे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है ये गाड़ी चलने पर और महीने में 5-6 बार प्लग शॉर्ट हो जाती है। हालांकि ज़्यादा रनिंग नहीं है गाड़ी का, लेकिन जब भी गाड़ी चलती है ना तो प्लग इसका शॉर्ट हो जाता है। अभी जस्ट मेरे पास आई प्लग ही शॉर्ट था इसका, तो जिनका बाइक उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट सोल्यूशन कर दो। तो चलिए हम इसका प्लग खोल के पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हालचाल है प्लग का। गाड़ी तो वैसे स्टार्ट कर दिया हमने, तो स्टार्ट करने के बाद हमने चेक किया थोड़ा, उसके बाद मैं प्लग खोल रहा हूँ। इसे प्लग खोल के देखते हैं कि क्या इसका पोजीशन है। प्लग बार बार शॉर्ट हो रही है, प्लग देख रहे हैं, ये प्लग कितना काला है, प्लग देख रहे हैं। अभी ये सिर्फ 2-3 किलोमीटर चली और इतना काला हो गया प्लग। तो इतना काला प्लग हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे, इसका फिल्टर को चेक करेंगे और इसका कार्बोरेटर को ट्यूनिंग करेंगे, कार्बोरेटर को माइलेज एडजस्ट करेंगे। अगर आपकी कार्बोरेटर माइलेज एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो खोल कर उसे वाश करें, कार्बोरेटर को क्लीन करें। अगर कार्बोरेटर क्लीन करने के बावजूद आपका माइलेज नहीं आ रहा है, प्लग ऐसा ही है, तो आप कार्बोरेटर को चेंज कर दें। ये जो प्लग काला होने का जो सिस्टम है ना, वो इंजन से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इंजन से कोई फॉल्ट नहीं आता है। तो चलिए हम प्लग को साफ़ करके और लगा लेते हैं। प्लग को साफ़ करके इसे इंजन में लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसका हम कार्बोरेटर एडजस्ट करेंगे, वो आपको मैं दिखाऊंगा कार्बोरेटर मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। और एडजस्ट करने के बाद इसे चेक भी करूंगा, चेक करने के बाद फिर प्लग भी खोलूंगा और प्लग खोल के ये भी चेक करूंगा कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए इसका हम प्लग को टाइट कर लेते हैं। पहले प्लग को टाइट कर लिया हमने, प्लग होल्डर लगा दिया हमने और अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करके इसका माइलेज सेट करेंगे। माइलेज सेट करने के लिए यहाँ पर एयर स्क्रू दिया हुआ रहता है, तो इसे हम पहले हटा लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। इस कवर को हटा लेते हैं। एडजस्ट तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। ये हमने इसे खोल दिया और यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा स्क्रू है ना वो इंजन को रेस करता है, स्लाइड को ऊपर करता है, और छोटा वाला जो है ना एयर मिक्सर स्क्रू है, वो हवा के प्रेशर को बढ़ाता है इंजन में। अगर सिर्फ पेट्रोल जाएगा ना इंजन में तो माइलेज बिल्कुल भी नहीं देगी गाड़ी और मिसिंग करेगी गाड़ी, और हवा और पेट्रोल दोनों मिक्स होकर सही चीज़ से जाएगा ना तो वो माइलेज अच्छी देगी। तो चलिए हम इसे फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये हमने स्टार्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे कि ये बड़ा वाला स्क्रू को हल्का टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हल्का टाइट करेंगे ताकि इंजन थोड़ा रेस हो जाए। और उसके बाद में फिर हम एयर स्क्रू को टाइट करने के बाद उसे खोलेंगे। तो देखिए ये एयर स्क्रू को पहले टाइट कर लेते हैं, फुल टाइट करने के बाद एक 1 टर्न खोलेंगे, एक राउंड एंटी क्लॉक वाइज एक राउंड खोलेंगे। उसके बाद में फिर इसे धीरे 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 खोलते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना खोलने का टाइट करने के बाद बंद हो जाएगा, तो आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं। हम धीरे 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 इसे खोलेंगे और जिस जगह पर टॉप स्पीड है इंजन का, जहाँ पर लग रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा रेस हो गई गाड़ी, बहुत ज़्यादा इंजन रेस हो गई,
उस जगह पे हल्का हाफ टर्न और खोल देना है, जिस जगह पे फुल रेस होगी उस जगह पे हाफ टर्न और खोलकर, हाफ टर्न और खोल देना बस। इस जगह पे देखें फुल रेस हो गई, हाफ टर्न और खोल दिए, अब बड़ा वाला स्क्रू को लूज कर देंगे, ढीला कर देंगे ताकि यह इंजन स्लो हो जाए, और अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे स्लो रखेंगे ताकि ज़्यादा रेस भी ना लगे और ज़्यादा स्लो भी ना हो, ताकि ये बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं रखेंगे, ऐसा भी नहीं रखेंगे, ठीक है। ये इतना पे सही है, ठीक है, इंजन इतना पे सही है। हम एक्सीलेटर लगा देते हैं, हाँ ये सही काम कर रहा है, बस सिर्फ माइलेज इसे मिलाना था, माइलेज मिलाने के बाद ये ऑलरेडी ब्लैक स्मोक कम हो जाएगी। दिखा रहा हूँ मैं आपको इसका ब्लैक स्मोक, आ रहा है, पहले ये आ रहा था, अभी अगर ये हल्का फुल्का आएगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइलेंसर में कुछ स्टॉक हो जाता है, कुछ कार्बन जो होता है वो स्टॉक हो जाता है, वो लगेगा कि आपका आ रहा है, वो तो प्लग से पता चल जाएगा। मैंने इसका फिल्टर नहीं खोला क्योंकि जिनका बाइक उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन पहले न्यू फिल्टर डाला हूँ, तो हम फिल्टर को इसलिए हमने चेक नहीं किया। अब क्या हुआ कि मैंने इसका इसे कंप्लीट कर दिया, और ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये बड़ा वाला जो स्क्रू होता है ये इंजन को कम और ज़्यादा करने के लिए, रेस करने के लिए, आरपीएम बढ़ाने और घटाने के लिए होता है। अगर गाड़ी बंद हो जाए तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा बढ़ा हुआ तो कम कर देंगे। और ये छोटा वाला जो स्क्रू होता है वो एयर मिक्सर स्क्रू होता है, ताकि हवा का प्रेशर को बढ़ा सके इंजन में, हवा और पेट्रोल दोनों मिलकर इंजन में जाता है, ताकि माइलेज गाड़ी अच्छी देती है और पिकअप अच्छा बनाता है। जब हवा और पेट्रोल का मिश्रण जाता है ना हेड में, तो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है, गाड़ी रनिंग करती है। तो ये कंप्लीट हो गया, फिर भी मैं इसका फ़िल्टर चेक कर ले रहा हूँ, इन्होंने कहा कि न्यू लगाया है, लेकिन फिर भी हम इसका फ़िल्टर चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा खुद से, क्योंकि इनका कहना है कि 2-3 दिन पहले ही लगाए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने से चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इधर तो हमने एडजस्ट कर दिया, अब हम इधर इसका फ़िल्टर खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये वाला फ़िल्टर लगा हुआ था, ये तो ख़राब है फिल्टर, लेकिन इनका कहना है कि 2-3 दिन पहले हम लगवाए थे एजेंसी में, पता नहीं, तो हमने इसका फ़िल्टर भी चेंज कर दिया। चलिए अब ये कंप्लीट हो गया, पता नहीं, कस्टमर तो कहते 2-3 दिन पहले लगाए हैं, लेकिन पता नहीं कितने दिन पहले लगाए हैं, पता नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा, अब हम इसका ट्रायल ले लेते हैं, इसे ट्रायल लेकर फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने इसे ट्रायल ले लिया, ट्राई कंप्लीट कर लिया, 2-3 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, उसके बाद हम इसका प्लग को खोलेंगे और प्लग को खोलकर चेक करेंगे कि प्लग ब्लैक हुआ या वाइट हुआ। चलिए हम इसका प्लग को खोल लेते हैं, थोड़ा गर्म है, प्लग को मेरे अनुसार वाइट होना चाहिए, अगर ब्लैक हुआ तो हमें फिर से एडजस्ट करना होगा, वरना हमें कार्बेटर वाश करना पड़ेगा। और ये प्लग वाइट हो गया, देख रहे हैं प्लग वाइट हो गया, 2-3 किलोमीटर ही चला गाड़ी, हालांकि मैंने स्पीड में चलाया, ये प्लग वाइट हो गया, पिछले बार हमने खोला था तो ये ब्लैक था, ये 2-3 किलोमीटर में इतना वाइट हो गया, और भी चलेगा तो ये पूरा कंप्लीटली वाइट हो जाएगा। अब ये इसका माइलेज सही हो गया, इसका माइलेज भी सही हो गया, और ये ब्लैक स्मोक भी नहीं करेगी, काला धुआं भी नहीं मारेगी, अब देख रहे हैं बहुत अच्छा हो गया। देखिए माइलेज एडजस्ट करना हर किसी की बात नहीं है, जो हमेशा करते हैं ना वो इजीली कर लेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। अगर आप हमेशा कर रहे हैं तो ये आप आराम से कर लोगे कि कितना हमें एडजस्ट करना है, कितना पे रोकना है, कितना एयर स्क्रू खोलना है, ये आपको पता होगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हो, सेकेंड टाइम खोल रहे हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें कितना खोलना है। तो जब भी आप एयर स्क्रू वगैरह यूज़ करें, ध्यान रखें तो कोई एक्सपर्ट से ही खुलवाएं, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो हमेशा काम वगैरह करते हैं वो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसका हम प्लग होल्डर लगा लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। फिर से स्टार्ट कर दीजिए, तेरा काला धुआं हल्का फुल्का देगा भी, तो वो साइलेंसर मिला होगा, वो कुछ 2-3 मिनट चला जाएगा।
ये हो गई कंप्लीट। बस इतना सा ही इसमें काम था, और कोई कोई दुकान वाले लंबा लिफाफा बता देते हैं, बस छोटी सी प्रॉब्लम ब्लैक स्मोक होती है तो बस यही छोटा सा प्रॉब्लम होता है कार्बोरेटर एडजस्टिंग या फिल्टर खराब होने। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।